वीडियो में थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम होगा, मतलब लाइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हैं। अब ये है टाटा योद्धा EX, थोड़ा सा अपडेटेड है। तो अपडेट्स क्या थी, देखो हमने ऑटो एक्सपो में ऑलरेडी ये गाड़ी देखी हुई थी, तो ऑटो एक्सपो में जो गाड़ी दिखाई थी बिल्कुल वैसी है, और मतलब एग्जैक्टली जो मिसिंग पॉइंट था ना, कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो अपडेट करनी थी वो लगभग अपडेट कर दी। एक आध दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि अभी अपडेट क्या नहीं किया। हम फटाफट से एक क्विक वॉक अराउंड ले लेते हैं, फिर इस गाड़ी का जो ड्राइविंग रिव्यू है वो आपको चैनल पे अलग से दिख जाएगा और मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हेडलैम्प्स आते थे वो बिल्कुल वैसे ही के वैसे आते हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करे। क्लियर लैम्प, हैलोजन हेडलैम्प्स है, यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाएगा, ये रिफ्लेक्टर वगैरह है, थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको। और यहाँ पे लाइट्स मतलब बड़ी दिखती हैं, तो गाड़ी को थोड़ा मस्कुलर लुक देने में भी मदद करती है और काफ़ी सही दिखती है। अगर नीचे की तरफ देखो तो ये सी शेप में इंसर्ट्स है, यहाँ पे कैटा रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। अगर आप पुराने वाले योद्धा से परिचित हो, जिनॉन से परिचित हो, तो नीचे आता था यहाँ पे एक कैटा रिफ्लेक्शन गोल सा दिखता था। ये बम्पर पूरा नया है, बम्पर को कम्प्लीटली नया कर दिया है और तीन पीस में किया हुआ है। जैसे हमने बड़े बड़े ट्रक्स में देखा था कि क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ से आपकी गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हो जाती है या लग जाती है, आपका ड्राइवर मार देता है, आपसे थोड़ी सी गाड़ी टच हो जाती है, तो पूरा चेंज नहीं कराना, ये आप पैनल इतना चेंज करा लो, यहाँ से भी पैनल चेंज हो जाता है और कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आती है। और ये स्क्रू भी एक्सटर्नल है, मतलब इसको छुपाने की कोशिश नहीं की है, तो वो एक कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से बढ़िया चीज़ है। या योद्धा EX इन्होंने नंबर प्लेट लगाया हुआ है, यहाँ नंबर प्लेट लगेगा। ये कुछ क्रोम वगैरह की नहीं है, लोगों को ब्लैक कलर से ही मिलेगा, बट यहाँ पे क्रोम यूज़ किया है, सिल्वर फिनिश के साथ में है और काफ़ी रिफ्लेक्टिव, अच्छा लगता है। ब्लैक पियानो में टाटा के लोगो अब सारे ही ब्लैक पियानो में आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और इसका पैटर्न भी ठीक है, ये अच्छा पैटर्न दिख रहा है, ये 3M रिफ्लेक्टिंग टेप, कमर्शियल व्हीकल है तो उसके हिसाब से। और ये कलर अच्छा लगता है, देखो यहाँ पे देखोगे ना तो ये काफ़ी शाइनिंग वाला कलर है, मेटलिक कलर है। नीचे से गाड़ी में बाद में दिखाऊंगा, यहाँ पे स्किड प्लेट दी हुई है, मतलब अगर जो एंगल ऑफ अप्रोच और एंगल ऑफ डिपार्चर है थोड़ा सा बेटर गाड़ी का यहाँ से हो जाएगा। हालांकि साला प्लेटफॉर्म वगैरह पुराना वाला ही है, तो वो देखेंगे हम उसको बाद में। फिट फिनिश गाड़ी की कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से इस गाड़ी की तो फैंटास्टिक लगती है, मतलब बहुत ही कमाल का काम टाटा ने किया। पहले आपने देखा था अनइवन थोड़े गैप्स दिखते थे कि वो प्रॉपर फिट नहीं हुआ है, वो अब सही से एड्रेस हुआ है, वो अब यहाँ पे दिख रहा है, तो वो एक आपको मज़ा आएगा उस चीज़ में। डुअल वाइपर्स वगैरह मिलते हैं, तो डुअल जेट्स भी मिलते हैं, और टाटा के वाइपर्स शुरू से ठीक आए हैं इस गाड़ी में, कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई है, बढ़िया तरीके से विंडशील्ड क्लीन कर देंगे। अगर आपको मन हो रहा है कभी ऑफ रोडिंग जा रहे हो, गाँव के कच्चे रास्तों पर चला रहे हो, तो भी शीशा अगर आपका साफ होते रहेगा, शुरू से हमने वहाँ पे एक इंडिकेटर देखा है, वो सारी चीज़ें इस पिकअप में भी आती हैं। अब ये जो है वो हमारा क्रू कैब वाला वर्जन है, मतलब इसमें आप क्रू को ले जाते हो, 5 सीटिंग में आता है, 2 आगे बैठ सकते हैं, 3 पीछे बैठ सकते हैं। ऑफिशियली अनऑफिशियली तो आपको पता ही है कि आप कितने लेके जाओगे। अगर आप साइड देखोगे गाड़ी एक्चुअल में अच्छी लगती है, मतलब यहाँ से बहुत खूबसूरत लगती है, और ये नीले रंग की लाइटों के साथ में तो और भी ज़्यादा गाड़ी बढ़िया लग रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें 215/75R16 के व्हील्स होते हैं, काफ़ी बढ़िया। प्लाई रेटिंग वगैरह इनकी ठीक है, मतलब जिस सेगमेंट में गाड़ी आती है। 16 इंच के टायर इस गाड़ी में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा सा ऊंचा वो इसमें कर देते हैं। यहाँ से अगर आप साइड से देखोगे तो एक आपको फुटबोर्ड मिलता है, चढ़ने करने में आसानी होगी, और ये मतलब वैसा फैंसी वाला नहीं है, फंक्शनल है, और सफाई वगैरह भी आसानी से हो जाएगी, जंग वगैरह नहीं लगेगी, पूरी तरीके से कोरोजन फ्री है, तो ये अच्छी चीज़ टाटा ने यहाँ पे करी हुई है। ओवरऑल साइड से लाइंस वगैरह देखने में बढ़िया लगती, गाड़ी यहाँ से देखने में खूबसूरत लगती है। अगर कोई इसको एक कमर्शियल व्हीकल के तौर पे ही रजिस्ट्रेशन ना करा के प्राइवेट रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी सी जुगाड़ कर ले तो बहुत मज़ा आएगा, दोनों काम जो है 2-in-1 पर्पस पूरे हो जाएंगे। साइड में अगर हम बात करें, यहाँ भी सेम 16 इंच के टायर आपको देखने को मिलेंगे। अब एक चीज़ जो है वो गाड़ी में है कि यहाँ पे आपको पट्टा कवानियाँ मिलती हैं, बुश लेस मिलते हैं, ये मतलब इलीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है बट बुश लेस है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लैक को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रीसिंग वगैरह करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। थोड़े से मडगार्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा पीछे पट्टी वट्टी ऊपर नहीं आए, ये यहाँ पे लगा के दिखाया हुआ है। फ्यूल फिलिंग के लिए यहाँ से आप यहाँ से फ्यूल फिल वगैरह कर सकते हो, ये यहाँ पे हिंजेस वगैरह दिए हुए हैं। ये आपको ड्रॉप साइड डैक भी लेनी है तो ड्रॉप साइड डैक में भी बन जाएगी गाड़ी, मतलब ये वाला डाला जो है ना वो खुलने वाला यहाँ से बन जाएगा, वो एक पार्ट है, यहाँ से आपको ये कुंदे वगैरह कब्जे वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई LEDs नहीं आती हैं, वो एक पार्ट है कि LEDs आपको मिल सकती थी, LEDs नहीं है। बाकी योद्धा यहाँ पे टाटा का आपको ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा, योद्धा EX है। और ओवरऑल गाड़ी देखने में पीछे से जैसी पहले लगती थी लगभग वैसी ही लगती है। 4 आपको जो है वो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जैसे पहले शुरू में आते थे वैसे यहाँ पे हैं, कोई बहुत बदलाव आपको पीछे से नहीं देखने को मिलेंगे। पर गाड़ी की हाइट जो है वो शुरू से थोड़ी ऊंची रही है, यहाँ से आप देखोगे ना गाड़ी को तो गाड़ी आपको थोड़ी सी उठी हुई और ऊंची लगेगी जैसा लगती थी पहले। पट्टा कमानिया भी उसका एक कारण है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। यहाँ पे आपको सफिशिएंट स्पेस मिल जाएगा, इसकी चौड़ाई बहुत अच्छी है, लगभग ये 5.5-6 फीट के आसपास की चौड़ाई आती है, और इसकी लंबाई बहुत अच्छी है, मतलब पूरा क्रू निकालने के बाद भी आपको बराबर से जो है जगह मिल जाती है ओवरऑल। तो ये सारी पार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे,
यहाँ से भी गाड़ी आपको देखने में बहुत ही ठीक लगती है, मतलब कुछ डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं लगती है। जैसे शुरू में हमने देखा था ना कि गाड़ी जो कुछ ऐसी पिकअप ट्रक्स वगैरह बनाई जाती है तो वो यहाँ से अजीब लगती है, ये मस्कुलर लगती है। और ये थोड़ा सा डाला है ना, ये बाहर बॉडी से आता है पर ये मिरर से अंदर है, जैसे ये वाला देखोगे मिरर से अंदर है बट ये बॉडी से थोड़ा सा बाहर है, ये सारे पार्ट है। इसको खोलने लगाने के लिए भी हिंजेस वगैरह जो हैं वो यहाँ से हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखेगी। आप पीछे बताएंगे स्पेस वगैरह कितना है, तो देखो स्पेस वगैरह ऐसा ही कि बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करो क्योंकि पीछे भी आपने जगह यहाँ पे निकाली हुई है तो यहाँ निकाली हुई है, बट स्पेस यहाँ पे ऐसा है कि मतलब फंसेगा नहीं आदमी। छोटे डिस्टेंस के लिए बैठोगे, 100-150 किलोमीटर के लिए भी बैठा लोगे तो कोई रोएगा नहीं, आराम से चले जाएगा, वो एक पार्ट है। बाकी यहाँ पे पावर विंडोज़ आती हैं जो कि एक कमाल की चीज़ है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये आपको डोर हैंडल्स वगैरह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, और ये थोड़ा सा अजीब सा सिस्टम है मतलब, बट फिर भी ये वो गोल वाला नहीं देखे, ऐसा वाला दे दिया तो थोड़ा सा सही है। बाकी इसका टेक्सचर वगैरह देखो भाई कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से, और यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट पैडिंग दे रखी, हाथ लगते हैं ना हमारे बार बार, सॉफ्ट पैडिंग दे रखी। यहाँ पे कलर थीम चेंज कर रखा है, लाइट्स यहाँ पे ऐसी हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। बाकी यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग लाइट है, बहुत ही ज़्यादा सही है। बाकी चढ़ने के लिए हाइट थोड़ी सी ऊँची है तो इस फोर्ट बोर्ड का आप सहारा लोगे। यहाँ पे कोई ऐसी हैंडल ऐसे सच वगैरह नहीं मिलता बट बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, एक दो बार अगर जो व्यक्ति इसमें अंदर बाहर हो जाएगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। गाड़ी जो है वो सेफ काफ़ी बड़ी रहती है, रात को अगर खोलते हो गेट वगैरह तो वो सारी चीज़ें, म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर वगैरह यहाँ प्लेस किए गए, 1 लीटर की बॉटल आसानी से आ जाएगी, डोर पॉकेट्स वगैरह है, यहाँ पे चाइल्ड लॉक वगैरह यहाँ पे मिलता है तो वो पार्ट्स यहाँ पे लगते हैं। ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी बढ़िया लगता है होल्ड करने में। और एक्चुअली इस स्टीयरिंग व्हील के बारे में अच्छी बात ये थोड़ा सा ये एडजस्टेबल भी है तो ये हो जाता है, बट ऊपर नीचे होता है मतलब सिर्फ रीच के लिए नहीं है, मतलब आगे बाहर नहीं होगा, बाकी ये ऊपर नीचे तो हो जाता है। वो सारे पार्ट यहाँ पे हैं, यहाँ पे कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, ये आपका एसी है और एसी में अच्छी बात ये कि यहाँ पे गर्म और यहाँ पे ठंडा, मतलब एचवीसी मिलता है, सिर्फ एसी नहीं मिलता है, हीटर भी इसके अंदर आता है। 4 स्पीड का ब्लोअर फैन है और 4 स्पीड पे एडजस्ट कर सकते हो, अलग अलग मोड्स आपको दिए हैं कहाँ पे आपको एयर थ्रो करनी है, डिफॉगर वगैरह मिलता है, फ्रेश एयर वगैरह आप चला सकते हो, एसी ऑन ऑफ करने की बटन यहाँ से आती है। ये आपका कुछ चार्जिंग सॉकेट वगैरह लगवाना हो बाद में लगवा लेना। और ये एक आपको पुरानी इंडिका याद है, इंडिका विस्टा याद है, कुछ वैसा सा थीम लग रहा है, हालांकि वैसा नहीं है बट फिर भी कुछ वहाँ से रिलेट आप कर पाते हो। टाटा का टिपिकल डिज़ाइन है शुरू से जैसा आता था, यहाँ पे आपको एक ये एश ट्रे कह लो या इसमें कुछ यूटिलिटी स्पेस कह लो ये यहाँ पे दिया होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये कप होल्डर तो नहीं है प्रॉपर क्योंकि इसमें कुछ इतनी डीप डेप्थ नहीं है, मतलब गहराई इसके अंदर इतनी नहीं है, ये कैविटी थोड़ी सी वैसी ही है, बाकी चीज़ें ये आपको चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ से आप लॉक कर सकते हो अगर कोई चाइल्ड वगैरह बैठा है, चाइल्ड लॉक पावर विंडोज़ का यहाँ से लग जाता है। ये भी थोड़ी सी बढ़िया ही जगह है, थोड़ा पैडिंग वगैरह दे रखा है। ओवरऑल टच करने में गाड़ी कमर्शियल व्हीकल से बढ़िया फील होती है, मतलब एक कार की तरह आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। ये आपका हैंड ब्रेक वगैरह बढ़िया ओवरऑल, और यहाँ से आपको थोड़ा सा ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। और यहाँ पे ना ये पहले थोड़ा सा ये ढीला वीला था, अब ये इसको प्रॉपर टाइट कर दिया इनसे, और यहाँ पे आप प्रॉपर कप वगैरह रख के अपना ले सकते हो चीज़ों को। और ये थोड़ा सा जगह वगैरह ठीक है, यहाँ भी एक कैविटी दे रखी जहाँ पे काफ़ी यूटिलिटी आ जाएगी। इसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, गीला कपड़ा लेके या फिर आप कई बार क्ले लेके लोग साफ़ करते हैं, वो एक पार्ट है। बाकी फिट फिनिश देखो ठीक है, मतलब ओवरऑल आपको शिकायत नहीं होगी इस केबिन से, आप बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं कर पाओगे, वो सारी पार्ट है, ये हैं चीज़ें। और यहाँ पे अगर आप दिखा दूँ तो आप इको मोड पे स्विच मिल जाए, रीजनरेशन का स्विच है, और 1, 2, 3 आपको ये आपको हेडलाइट लेबलिंग मिल जाएगी, यहाँ से आप लाइट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से आप वाइपर वगैरह चला सकते हो। ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील देखने में ठीक लगता है, नीचे भी आपको चीज़ें ठीक दिखेंगी। ड्राइवर डोर पर अगर बात करो तो आपके यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल थोड़ी सी फंसेगी बट आ जाएगी थोड़ी सी जुगाड़ के साथ में, बाकी थोड़ा और स्पेस और मिलता है। ये सारी चीज़ें ड्राइवर वगैरह आपके यहाँ भी पैडिंग वगैरह मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया कमाल की चीज़ यहाँ पे होने वाली है। हाँ अगर साइड से भी आप बात करोगे तो को पैसेंजर की सीट वगैरह भी ठीक है, मतलब यहाँ पे भी बैठने के कंफर्ट से जुड़ी हुई तो कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि देखो ये डी ब्रैकेट सीट्स हैं, थोड़ा सा साइड से भी होल्ड करेगी, फैब्रिक की सीट है, कोई रेगजीन की सीट नहीं है, वो सारे पार्ट है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट भी करा जा सकता है, ये लंबर सपोर्ट आप देख सकते हैं देखो यहाँ पे, ये तो यहाँ पे बैक के कंफर्ट के हिसाब से उनको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे ड्राइवर डोर है वैसे यहाँ पे भी डोर है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। अब इसको हम जब चलाएंगे तो हम चलाने वाला आप हमारा वीडियो देखो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ चीज़ें और जो मुझे लग रहा है कि दिखाना चाहिए आपको वो यहाँ पे जो मिरर आता है वो डिमिंग फंक्शन के साथ में आता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एक लाइट आती है, हालांकि ये 3 फंक्शंस में आती है, और दोनों की तरफ रीडिंग लैंप्स और एक नॉर्मल लैंप की तरह भी जलता है ये, हालांकि है थोड़ा सा हैलोजन बेस्ड, कोई वाइट कलर का नहीं है, LED कुछ टच वगैरह नहीं दे रखा है, वो सारे पार्ट है।
ये सारी बातें हैं टाटा योद्धा के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है आपके लिए। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू कराइए और ट्रैफिक पुलिसमैन से भी वजह मत झगड़िए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो।